हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पीएचपी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस पेज को कंप्लीट किया था, असाइन स्टेटस वाले को। ठीक है, हमने देखा था स्टेटस जो है अपडेट हो गया था, पेंडिंग से उसमें एक्सेप्ट आ गया था। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक्सेप्ट आ गया था। ठीक है, उसके बाद अब हम इस यूज़र से लॉगिन करने वाला कोड अप्लाई करते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि लॉगिन का कितना कोड हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन वाला पेज है, तो इसमें भी हमने डिज़ाइन तो बना लिया है, बट इसका कोड अभी हमने नहीं लिखा है, तो इस पेज का भी मुझे कोड लिखना है। ठीक है, तो एक बार मैं एडमिन से लॉग आउट करता हूँ और वापस जाता हूँ यूज़र पेज पे। ठीक है, ये हमारा होम पेज ओपन हो गया। अब हम लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं, तो ये डिज़ाइन तो हमने कर लिया है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे अगर मैं आधार आईडी एंटर करूँ और पासवर्ड एंटर करूँ, लॉगिन पे क्लिक करूँ, तो एक प्रोफाइल पेज ओपन हो जाए यूज़र का। ठीक है, तो अब हमें इसका कोड करना बाकी रह गया है। ठीक है, डिज़ाइन हम कर चुके हैं, आधार आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, आधार आईडी पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए और स्टेटस होना चाहिए एक्सेप्ट, तभी यूज़र लॉगिन कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ इसका। ठीक है, तो मैंने पीएचपी ओपन किया, पीएचपी क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ़ के थ्रू चेक कर लिया, अगर बटन पे क्लिक हुआ है, बटन का जो नाम था, बटन का कुछ नाम मैंने नहीं दिया है, तो इसका मैं कुछ नाम नेम दे देता हूँ। इसका नेम मैंने रख दिया लॉगिन। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर लॉगिन नाम के बटन पे क्लिक हुआ है, तो हमें हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डाला होगा, आधार आईडी पासवर्ड जो भी डाला है, वो सब फेच करके पहले वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। तो हमने इफ़ के थ्रू कंडीशन लगा दी, इफ़ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट पूरा कैपिटल में आएगा, इफ़ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा लॉगिन। अगर लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ है, ठीक है, अगर लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ है, तो आधार आईडी, ठीक है, आधार आईडी और पासवर्ड को मुझे फेच करना है और वेरिएबल्स में स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर आधार आईडी, डॉलर पासवर्ड। ठीक है, तो आधार आईडी को हम फेच कर लेते हैं। इसी तरह पासवर्ड को भी फेच कर लेते हैं। तो जो टेक्स्ट बॉक्स था, उसका नाम था आधार आईडी, तो यहाँ पे मैंने लिखा आधार आईडी, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था पासवर्ड, तो यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड। तो आधार आईडी पासवर्ड को मैंने फेच कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटस, ठीक है, बस इतना ही हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेरी लिख देते हैं, डॉलर क्वेरी। सेलेक्ट काउंट स्टार,
या फिर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक रिमेम्बर मी का ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कोई रिमेम्बर मी का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं एक रिमेम्बर मी का बटन भी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसी बटन के नीचे एक चेकबॉक्स हम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक चेकबॉक्स बनाया। चेकबॉक्स बनाने के लिए हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। और इसका कुछ नाम दे दिया, रिमेम्बर REM। और इस बटन के आगे मैंने लिख दिया रिमेम्बर मी। सेव करके मैंने देखा इसको कैसा डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, किधर आ रही है? यहाँ पे 34 नंबर लाइन पे, क्योंकि ये कोड अभी इनकम्प्लीट है। सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये रिमेम्बर मी का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, बट ये हम बटन से पहले लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया और बटन से पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं अगर रिमेम्बर मी पे क्लिक किया जाए तो जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसको कुकी में सेव करवा दिया जाए। ठीक है, अदरवाइज रिमेम्बर मी पे क्लिक नहीं है तो एटलीस्ट सेशन में सेव करवा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर क्वेरी नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। और मैंने कंडीशन लिख दी सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था? टेबल का नाम था साइट यूज़र। ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम साइट यूज़र वेयर आधार आईडी। वेयर आधार आईडी। ठीक है, अगर आधार आईडी वो है जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में दी है, और पासवर्ड वो है जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में दिया है। एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड अगर वो है जो उसके इक्वल है जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में दिया है, और आधार आईडी भी अगर मैच हो जाती है, पासवर्ड भी मैच हो जाता है, तो हमें एक और यहाँ पे देखना है, मुझे स्टेटस को भी देखना है। अगर स्टेटस क्या हो, एक्सेप्ट हो, एंड स्टेटस इक्वल टू एक्सेप्ट। ठीक है, स्टेटस अगर क्या है, एक्सेप्ट है, तो इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं कि कितने रिकॉर्ड सर्च होके आ रहे हैं जिनका यूज़र नेम और पासवर्ड और स्टेटस, इन तीनों की कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट करके हमें मिलेगा। और काउंट करके हमें ये मिलेगा, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे।
तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर दिया, और जो फंक्शन में कॉल करने वाला हूँ वो बना हुआ है डीबी कॉन्फ़िगर के अंदर। तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ डीबी कॉन्फ़िगर को, इंक्लूड डीबी कॉन्फ़िगर डॉट पी एच पी सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया माय अंडरस्कोर वन। ये फंक्शन आई थिंक मैंने बनाया होगा डीबी कॉन्फ़िगर में। ठीक है, ये माई अंडर स्कोर वन फंक्शन हमने बनाया है, ये अपन को डॉलर रो ऑफ जीरो रिटर्न करता है, मतलब एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, और एक ही वैल्यू यहाँ पे आएगी भी। एक वैल्यू क्यों आएगी? क्योंकि हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं सर्च करवा रहे हैं, हम तो काउंट करके सर्च करवा रहे हैं कि ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनका यूज़र नेम ये है जो हमने, सॉरी, जिनका आधार आईडी ये है जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में दिया है, और पासवर्ड जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में दिया है, और स्टेटस अगर एक्सेप्ट है तो इनको काउंट करके बता दो। अब काउंट करके तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, मतलब नंबर के फॉर्म में। हो सकता है इस यूज़र नेम, इस आधार आईडी पासवर्ड का एक ही पर्सन हो तो वन मिलेगा, और इस आधार आईडी पासवर्ड का एक भी पर्सन नहीं होगा तो जीरो मिलेगा। ठीक है, तो अगर वन आता है मतलब यूज़र क्या है, वैलिड है, आधार आईडी पासवर्ड भी सही है, और स्टेटस भी अगर एक्सेप्ट है तो हमें वन मिलेगा, और वन से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा क्योंकि आधार आईडी तो कैसा है, प्राइमरी की है। तो इस क्वेरी को मैंने इसमें पास कर दिया। ठीक है, इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे पास किया, और अब जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमने चेक कर लिया इफ़ आंसर, इफ़ डॉलर आंसर, अगर आंसर की वैल्यू क्या है, वन के इक्वल है। ठीक है, वन के इक्वल कब होगा? जब इस यूज़र नेम पासवर्ड का कोई पर्सन होगा और उसका स्टेटस भी एक्सेप्ट होगा तो काउंट होके हमें वन ज़रूर मिलेगा, और वो जाएगा आंसर नाम के वेरिएबल में। वन वन के इक्वल रहेगा, कंडीशन सही हो जाएगी, तो ये इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो मैं चाहता हूँ कि, मतलब इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा मतलब यूज़र क्या है, वैलिड है, उसका यूज़र नेम आधार आईडी पासवर्ड भी सही है और स्टेटस भी एक्सेप्ट है। तो अब हमें उसको उसकी प्रोफाइल पेज पे भेजना है, लेकिन प्रोफाइल पेज पे भेजने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोफाइल पेज पे भेजने से पहले हम सेशन का यूज़ करते हुए सेशन में उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं, जैसे कि हम उसका यूज़र नेम, यूज़र नेम में, यूज़र नेम नहीं मतलब आधार आईडी। ठीक है, उसका आधार आईडी में एक सेशन वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, एस यू एन नाम का मैंने एक सेशन वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैंने यूज़र के आधार आईडी को स्टोर कर दिया। तो सेशन में हम यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देंगे, तो मैंने आधार आईडी को भी स्टोर कर दिया, और उसके अलावा मैं पासवर्ड को भी स्टोर कर देता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, आधार आईडी पासवर्ड दोनों को मैंने स्टोर कर दिया वेरिएबल्स के अंदर। फिर मैंने चेक किया, ठीक है, मैंने चेक कर लिया इफ डॉलर रिमेंबर। ठीक है, अब ये डॉलर रिमेंबर क्या है? ठीक है, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हमने आधार आईडी पासवर्ड की वैल्यू तो स्टोर कर ली थी वेरिएबल्स के अंदर, लेकिन जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे अगर क्लिक होता है तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर स्टोर कर दूंगा यस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया डॉलर रिमेंबर, रिमेंबर। ठीक है, डॉलर रिमेंबर नाम का वेरिएबल बनाया, और इसमें मैं यस स्टोर करूँगा यस, लेकिन मुझे तभी इसमें स्टोर करना है जब हमने चेकबॉक्स को टिक किया होगा। तो पहले मुझे
चेक चेक भी करना पड़ेगा क्या चेकबॉक्स पे टिक है या नहीं है। तो मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, इफ इससे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट REM, ये चेकबॉक्स का नाम हमने दिया था ठीक है, REM, तो चेकबॉक्स पे अगर टिक किया है तो रिमेम्बर के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा यस, अदरवाइज रिमेम्बर के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा नो। ठीक है, तो चेकबॉक्स पे टिक है तो रिमेम्बर वेरिएबल के अंदर मैंने यस स्टोर कर दिया, अदरवाइज चेकबॉक्स पे अगर टिक नहीं है तो रिमेम्बर वेरिएबल के अंदर मैंने नो स्टोर कर दिया। तो अब जब यहाँ पे हमें पता चल गया कि यूज़र क्या है, वैलिड है मतलब काउंट होके अगर 1 आ रहा है ठीक है, इस आधार ID पासवर्ड और स्टेटस एक्सेप्ट वाला एक पर्सन अगर है तो आंसर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये इफ वाला पार्ट चलेगा, मतलब यूज़र वैलिड है तो हमने उसका आधार ID पासवर्ड सेशन वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और ये चेक कर लिया अगर रिमेंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू यस है, तो रिमेंबर वेरिएबल की वैल्यू यस कब होगी, जब रिमेंबर मी पे करेंगे टिक। अगर रिमेंबर मी वाले चेकबॉक्स पे टिक किया है तो इसकी वैल्यू यस होगी, और उस केस में हमें यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन को कुकी में भी स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं दो कुकी वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे मैंने सेशन वेरिएबल बनाए थे, तो कुकी वेरिएबल बनाने के लिए आप लिखते हो सेट कुकी, और यहाँ पे आपने एक कुकी वेरिएबल बना दिया, नाम मैंने दे दिया CUN, ठीक है, CUN नाम का कुकी वेरिएबल बनाया, और उसके बाद कुकी के अंदर मुझे स्टोर करना है यूज़र का आधार ID, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप कुकी वेरिएबल का। फिर मैंने यहाँ पे टाइम बता दिया कि कितने टाइम तक ये डेटा रहेगा, स्टोर रहेगा ठीक है। तो जब हम कुकी बनाते हैं तो हमें टाइम भी बताना पड़ता है कि ये कुकी कब एक्सपायर होगी, तो मैंने लिखा 60 × 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 7, मतलब 7 दिन के लिए ये आधार ID जो है स्टोर रहेगी कुकी वेरिएबल के अंदर ठीक है, 7 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। तो टाइम फंक्शन में हम क्या करते हैं, टाइम का जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं वो सेकेंड्स के फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इतने सेकेंड्स को इंक्रीज कर दिया, अभी के टाइम अभी तक जितने सेकेंड हुए हैं वहाँ से लेके मैंने 7 दिन में जितने सेकेंड होते हैं उसको प्लस करके बता दिया ठीक है। तो ये एक कुकी वेरिएबल हो गया, मैंने एक और कुकी वेरिएबल बना दिया, तो मैंने एक और कुकी वेरिएबल बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया CPWD कुकी पासवर्ड, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसमें मैंने इस पासवर्ड को स्टोर कर दिया ठीक है। ये कुकी वेरिएबल का नाम है, ये उसकी वैल्यू है, और ये टाइम है। ठीक है, तो अगर यूजर वैलिड है ठीक है, यूजर वैलिड कब होगा, जब आंसर की वैल्यू 1 होगी, तो हम उसके डेटा को सेशन में स्टोर कर लेंगे और कुकी में भी स्टोर करेंगे अगर रिमेंबर मी की वैल्यू यस है ठीक है। सेशन में स्टोर किया, कुकी में स्टोर किया, अब हमारा काम है उसको रीडायरेक्ट करवा देना उसके प्रोफाइल पेज पे। तो हमने लिखा हेडर और यहाँ पे हमने लिखा लोकेशन कॉलन, पेज का नाम जो रहेगा यूज़र अंडरस्कोर होम नाम का मैंने पेज बना दिया, यूज़र अंडरस्कोर होम डॉट PHP, इस नाम का पेज मैं बनाऊंगा, अभी मैंने इस नाम का पेज शायद नहीं बनाया है। ठीक है, उसके बाद
इसको मैंने सेव कर दिया। और मैं अगर यहाँ सेशन वे डॉलर अंडरस्कोर सेशन मैंने यूज़ किया है तो मुझे सेशन को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर मैं सेशन स्टार्ट को कॉल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सेव किया। तो आधार आईडी की वैल्यू क्या थी वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आधार आईडी की जो वैल्यू थी आई थिंक 12x1 लिखा हुआ है, तो हमने 12x1 लिखा और पासवर्ड मैंने दिया था आलोक। तो ये मैंने पासवर्ड दे दिया। लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यूज़र अंडरस्कोर होम पेज ओपन हो गया, मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आगे का कोड हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी हमने पेजेस को सिक्योर नहीं किया, जैसे यूज़र होम ओपन तो हो गया लेकिन उस पर हमने कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं लगाई। अभी कोई यूआरएल के थ्रू भी डायरेक्ट अंदर चले जाएगा, तो अगर आगे हुआ तो मैं उसमें सिक्योरिटी भी लगाना आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस पेजेस को सिक्योर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।